बॉलीवुड सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर्स को आज हर कोई जानता है, लेकिन उनकी नॉन फिल्मी पत्नियों के बारे में शायद कम लोगों को ही पता होगा। यहाँ जानिए बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर्स की खूबसूरत बीवियों के बारे में। कबीर खान, टाइगर जिंदा है और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के डायरेक्टर कबीर खान की शादी टीवी होस्ट व वीजे मिनी माथुर से हुई। मिनी भारत में सबसे लोकप्रिय टीवी होस्टेस में से एक हैं। राजकुमार हिरानी, राजकुमार हिरानी की शादी 1994 में मंजीत लांबा से हुई, तब वह एयर इंडिया में पायलट के रूप में काम करती थी। रोहित शेट्टी, रोहित ने साल 2005 में पेशे से बैंकर माया मोरे से शादी की, अब वह 10 साल के बेटे ईशान की माँ भी हैं। आशुतोष गोवारिकर, लगान, जोधा अकबर और मोहन जोदाड़ो जैसी फिल्में बनाने वाले आशुतोष गोवारिकर ने सुनीता मुखर्जी से शादी की, जो कि अभिनेता देव मुखर्जी की बेटी और निर्देशक अयान मुखर्जी की बहन हैं। विधु विनोद चोपड़ा, थ्री इडियट्स और पीके जैसी फिल्में बनाने वाले विधु विनोद चोपड़ा ने लेखक, पत्रकार, फिल्म समीक्षक और निर्देशक अनुपमा चोपड़ा से शादी की। वह डिजिटल प्लेटफॉर्म फिल्म कंपेनियन की संस्थापक और संपादक भी हैं। अनुराग बासु, बर्फी और जग्गा जासूस जैसी फिल्मों के डायरेक्टर अनुराग बासु ने अपनी बॉस तानी से शादी की। अनुराग की मुलाकात तानी से गुवाहाटी में फिल्म में काम करने के दौरान हुई थी। उस समय तानी अनुराग की बॉस थी। अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप को उनकी फिल्म देव डी की शूटिंग के दौरान फ्रेंच की कल्की से प्यार हो गया। अनुराग उस समय आरती बजाज से शादी कर चुके थे, उन्होंने बाद में तलाक ले लिया था। दोनों ने डेटिंग शुरू की और साल 2011 में शादी कर ली, लेकिन ये शादी साल 2015 में खत्म हो गई, दोनों ने तलाक ले लिया। आदित्य चोपड़ा, रानी मुखर्जी ने अपने निर्देशक आदित्य चोपड़ा से शादी की। ये दोनों बहुत लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करते रहे। दोनों की एक बेटी आदिरा भी है। प्रकाश झा, गंगाजल, अपहरण, राजनीति और आरक्षण जैसी फिल्मों को बनाने वाले प्रकाश झा ने अभिनेत्री दीप्ति नवल से शादी की, उनकी एक बेटी दिशा भी है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग और मिर्जिया जैसी हिट फिल्में देने वाले राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने पीएस भारती से शादी की, जो कि एक फिल्म एडिटर हैं। इस तरह से इन सभी निर्देशकों की है खूबसूरत बीवियां।